अस्सलाम वालेकुम खान साहब जी, मैं आपका एक अदना सा कारकुन बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि पीडीएम हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमतें फिर बढ़ा दी हैं, गरीब आवाम के ऊपर एक और बम गिरा दिया है, और साथ रिजवी ने एहतजाज की कॉल भी दी हुई थी, चैलेंज दिया हुआ था हुकूमत को। तो जूँ ही अगर TLP वाले एहतजाज करते हैं तो क्या हम उनके एहतजाज में शरीक हो सकते हैं ताकि PDM के ऊपर प्रेशर भी बढ़ जाए और हमारा मकसद भी गरीब आवाम है, गरीब आवाम की भलाई है। ओके नहीं जी, हमारा तो यही ना कि आप यही बोलते हैं ना कि गरीब आवाम महंगाई से पिस गई है, PDM हुकूमत जुल्म कर रही है, वोटेड हुकूमत है, ये गरीब आवाम की दुश्मन है, तो मैं तो इसलिए बात कर रहा था। अच्छा ठीक है खान साहब, खान साहब जैसा आपका हुक्म, जैसे आप कहेंगे। ओके ओके जी, मैं सब कारकुनों को जो बता दूंगा। ठीक है खान साहब, भाई कहता है कि आप लोगों ने TLP के एहतजाज में शरीक नहीं होना है। PDM से हमको इतनी परेशानी नहीं आई, दूसरी सियासी जमातों से हमको इतनी परेशानी नहीं आई जितनी हमको तहरीके लबैक से परेशानी है। तहरीके लबैक को किसी तरीके से आगे नहीं आना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है, दूसरी सियासत तो होती रहती है। ये है खान साहब का हुक्म, आप लोगों ने TLP के एहतजाज में शरीक नहीं होना है।